टीवी से बॉलीवुड में आई सुशांत की पहली गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के आंसू नहीं रुक रहे हैं और उनके दर्द को समझने वाले उनके करीबी दोस्त भी उनका साथ देते हुए उनको संभाल रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं संदीप सिंह के बारे में। संदीप सिंह ने हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने के बाद एक पोस्ट शेयर किया है और उस पोस्ट को शेयर करते हुए संदीप सिंह ने अंकिता लोखंडे के लिए अपना हाल बयां किया। उन्होंने कहा कि वाकई में इस वक्त ज़रूरत सबसे ज़्यादा अंकिता लोखंडे को संभालने की है, जो कि खुद को नहीं संभाल पा रही है, क्योंकि वाकई में ये तकलीफ देश समय है। जी हाँ, ये तकलीफ देश समय है जिसे कोई भी नहीं मिटा सकता। अंकिता के लिए संदीप ने एक खत लिखा है ताकि वो सुशांत से उभरे। उन्होंने लिखा, प्यारी अंकिता, हर दिन जो गुजर रहा है एक सोच बहुत ज़्यादा डरा रहा है मुझे सबसे ज़्यादा बार बार। काश मैं कुछ कर पाता। क्या मैं और भी ज़्यादा कोशिश करता तो उसे बचा पाता, उसे रोक पाता? क्या उसके आगे हम गिड़गिड़ा सकते थे ज़िंदगी को छोड़ने से पहले? क्या वो हमारे बारे में सोचता? हम भले ही अलग हो गए थे, भले ही तुम दोनों अलग हो गए थे, तुमने हमेशा उसकी खुशियाँ और कामयाबी के लिए दुआएं की। तुम्हारा प्यार कितना सच्चा था, कितना ख़ास था। हमेशा उसके नाम को अपने ज़िंदगी में और अपने घर पर उस नेम प्लेट को रख कर अंकिता ने इस बात को साबित किया कि वो प्यार है। वो दिन याद आता है जब सिर्फ तीन थे हम, संदीप, सुशांत और अंकिता, लोखंडवाला में परिवार की तरह। वो मोमेंट हम शेयर करते थे, वो दिल में है। खाना बनाना साथ, खाना साथ, एसी का पानी गिनना और मटन भात खाना, लॉन्ग ड्राइव के लिए उत्तन, लोनावला और गोवा पहुंचना, वो होली, खूबसूरत यादें, रुला रही है। दिन गुजर रहा है, सुशांत जा चुका है, इस पर यकीन नहीं हो रहा। जो भी कुछ हुआ, सुशांत का चेहरा ही, हंसता चेहरा ही याद आ रहा है। यकीन नहीं होता वो हमारे बीच नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। तुम दोनों का सच्चा प्यार हमेशा एक दूसरे के करीब रहेगा। दिस थॉट्स, दिस मेमोरीज आर हर्टिंग माई हार्ट। काश मैं तुम दोनों को पास लेकर आ सकता था। काश वो नहीं जाता। वो मालपुआ याद है जो मेरी माँ से मटन करी के साथ एक बच्चे की तरह उसने मांगा था? काश हम उसे बचा पाते, काश हम उसे रोक पाते, क्या काश तुम दोनों की शादी हो पाती, तुम उसे रोक जरूर पाती। अगर वो तुम्हारे साथ होता, अगर तुम उसकी गर्लफ्रेंड होती, उसकी पत्नी होती, या उसकी माँ होती, या उसकी दोस्त होती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अंकिता, एक दोस्त तुम्हारी तरह मैं कभी नहीं खोना चाहूँगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्तिक रिपोर्ट।